हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। होर किदा चंगे? चलो खुश रहो ते मस्त रहो। जी आज मेरे गमले में फ्लावर खिला है जो पहली बार खिला है। ये पिछली बार मैंने प्लांट लगाया था, एक साल के बाद आज ये फर्स्ट फ्लावर आया है और साथ में इसके आई हैं दो और कलियाँ। इतना खूबसूरत कलर है, देखने में बहुत सुंदर लग रहा है। और मॉर्निंग रूटीन स्टार्ट, सबसे पहले कपड़े धो दिए हैं और अब सब काम करने में, झुकने झुकाने वाले काम में बेल्ट लगानी पड़ती है। बेल्ट लगा कर ही अब सारे काम करने पड़ते हैं, नहीं तो पेन काफ़ी बढ़ जाता है। और अब ये जो कपड़े धोने वाला पानी था, उसी से ही मैंने फर्श की धुलाई कर दी है। इससे पानी की बचत काफ़ी हो जाती है और गर्मियों में हमें सबको इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। और ये हमारे साहब जी देख रहे हैं फोन। मुझे तो बहुत ज़्यादा काम होता है मॉर्निंग में, तो बहुत ही ज़्यादा काम होता है। और आज मुस्कान को मैं बनाना सिखा रही हूँ राजमा। बस नमक डाल के और बंद करके रख दे। ये मसाले तैयार मुस्कान कर रही है और ये सारे टमाटर मेरी क्यारी में से उतरे हैं। इनकी सब्जी का टेस्ट अलग ही होता है, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और इसको अगर हम सलाद में भी खाते हैं तो बहुत अच्छे लगते हैं, खट्टे खट्टे। आज यही बनाएगी सब्जी और मैं सारे दूसरे काम कर लेती हूँ। और ये इसके पापा, ये जब भी देखते हैं कि मुस्कान किचन में थोड़ा बहुत काम कर रही है तो इनसे रुका ही नहीं जाता और ये उसकी हेल्प करने के लिए आ जाते हैं, क्योंकि इन्हें नहीं ये मंजूर कि मुस्कान किचन में काम करे। ये होता है अपनी बेटियों के प्रति प्यार। मैं बुलाऊं तो कभी नहीं आएंगे और मुस्कान के तो बिना बुलाई हेल्प करने के लिए आ जाते हैं। मुस्कान अब बनाएगी साथ में चावल। आज राजमा चावल यही तैयार करेगी। आज मैं खाना नहीं बनाऊंगी, मैं और दूसरे काम कर लूंगी, क्योंकि अभी काम मेरे लिए काफ़ी पड़ा हुआ है। और आज मैंने सोचा कि सिंक के नीचे वाले हिस्से की डीप क्लीनिंग कर ली जाए, क्योंकि हम घर की मालकिनें हैं और ये काम सिर्फ घर की मालकिन ही कर सकती है। आप अपने स्टाफ को या अपने हेल्पर को चाहे कितना भी कह लो, वो कभी भी इस तरीके से काम नहीं करते। हम चाहे उन्हें कितना पैसा दे दें, चाहे प्यार से समझा लें, लेकिन वो कभी भी इतने दिल से ईमानदारी से काम नहीं करते। इसीलिए हमको ये सब काम, हम जो घर की मालकिनें हैं, इन्हें ही करना पड़ता है। और मुझे अच्छा भी लग रहा है क्योंकि आज मैं खाना नहीं बना रही तो मेरे पास उतना जो टाइम बचा है उससे मैं आज किचन की डीप क्लीनिंग कर लूँगी। और सिंक के नीचे के हिस्से की सफाई करते करते मैंने पूरे किचन के फर्श की ही सफाई कर दी, क्योंकि अभी मेरे पास टाइम है तो मैं इसको कर लूँ। जब मेरी हेल्पर आ जाएगी लॉकडाउन के बाद तो फिर वो ही काम करेगी, तो मैं इतना नहीं कर पाती क्योंकि उसकी और मेरी टाइम की सेटिंग नहीं बैठ पाती। अभी तक उसके दो फ़ोन भी आ चुके हैं कि मैं वापस काम पर आना चाहती हूँ, पर मैं अभी नहीं उसको बुला रही कि जितना कर सकती हूँ मैं उसके आने से पहले पहले घर की अच्छे तरीके से सफाई कर लूँ। क्योंकि जो घर की सफाइयाँ हम घर की मालकिनें कर सकती हैं जितना दिल लगा के और जितने करीने से और टाइम लगा के, वो नहीं कर सकती। तो मेरा भी मन है कि एक बार मैं घर को अच्छे तरीके से क्लीन कर लूँ, क्योंकि डीप क्लीनिंग हम ही करेंगे, वो नहीं कर पाती। क्योंकि वो अपनी जगह सच्ची हैं कि उन्हें भी बहुत घरों में काम करना होता है तो वो एक घर में कितना टाइम दें। तो इसीलिए हमें भी साथ लग लग कर उनके साथ काम तो करना पड़ता है, लेकिन इस वक्त वो नहीं है, तो
तो मैं खुद ही चाहूँगी कि जितना मैं ढंग से काम कर सकूँ तो कर दूँ। तो आज मैंने सिंक वाले एरिए की अच्छे तरीके से सफाई करके और पूरा किचन का फर्श भी चमका दिया है, क्योंकि मुस्कान ने आज राजमा चावल बना दिए हैं तो मेरे पास दूसरे काम करने का थोड़ा सा टाइम बच गया है। और बढ़िया राजमा चावल बनाए हैं उसने। अब मुस्कान मेरे लिए बना रही है चाय, साथ में प्याज काट रही है और इसकी आंखों में आंसू आए जा रहे हैं। हमें बच्चों को भी थोड़ा सा काम सिखाना चाहिए ऐसे ही अपने साथ लगा लगा के, और ताकि कभी भी इनको लाइफ में जब ज़रूरत पड़े तो थोड़ा बहुत काम आता हो। और साथ में अब ये तैयारी कर रही है, गार्लिक ब्रेड बनाएगी ये अपने लिए और देव के लिए, और मुझे तो आज ये चाय पिलाएगी। आज राजमा चावल भी इसने बना लिए और अब मेरे को बैठे बैठे चाय भी देगी। और मैं ले आती हूँ कपड़े जो मैंने सूखने डाले थे और उन्हें फोल्ड कर लेती हूँ, तो कुछ ना कुछ हमें भी रेस्ट मिलना ही चाहिए, क्यों मुस्कान? रेस्ट मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए हमें? हमें भी कभी कभी रेस्ट मिलना ही चाहिए। तो मेरी और ये चाय तैयार, तो ये मुझे चाय पिलाएगी। तो ये आ गई अब मेरी चाय और साथ में बिस्किट। और ये पता है कप कौन सा है? ये मेरी शादी का कप है, ये मेरे दहेज में आई थी क्रॉकरी, तो आज तक मैंने इन्हें संभाल के रखा हुआ है। ये प्लेट और कप, ये मेरा सेट आया था टी सेट दहेज में, और इसको मैंने अभी तक टूटने नहीं दिया है। और कभी कभी मुझे इसमें चाय पीने को बहुत दिल करता है, तो आज मुस्कान ने मुझे इसमें चाय दी है। कितना हमें रहता है ना कि ये हमारी दहेज की चीज़ें हैं, कितना प्यार रहता है। चाहे हमने और उसके बाद कितनी क्रॉकरी खरीद ली, लेकिन ना तो मैंने इसे टूटने दिया है और ना मैंने इसको ज़्यादा कहीं इधर उधर यूज़ होने दिया है, और इसको संभाल के रखा हुआ है। तो चलो आज इसी में पीते हैं चाय। मुस्कान चाय बहुत अच्छी बनी है, बिल्कुल मेरे जैसी, जैसे मैं बनाती हूँ ना वैसे ही टेस्ट है बिल्कुल। बच्चों को बीच बीच में अप्रिशिएट भी करते रहना चाहिए ताकि उनके दिल को तसल्ली मिले कि भाई जो भी हम काम कर रहे हैं वो मम्मी को पसंद आ रहा है। इसी तरीके से बच्चे थोड़ा थोड़ा काम करना सीखते रहेंगे। अब मैं कपड़े समेट लूँ, जो फोल्ड करने हैं वो फोल्ड कर लूँ, जो प्रेस करने हैं वो प्रेस कर लूँ। ये काम तो मुझे वैसे बहुत बुरा लगता है, मेरा मन करता नहीं है इस काम को करने के लिए, लेकिन करना तो पड़ता ही है। और ये देखो अब मुस्कान बना रही है गार्लिक ब्रेड, तो उसके पापा और भाई दोनों आके खड़े हुए हैं, उनसे देखा ही नहीं जाता कि मुस्कान काम करे, तो फटाफट उसकी हेल्प के लिए आके खड़े हो जाते हैं। और ये मेरे को भी टेस्ट कराने के लिए दिया है गार्लिक ब्रेड और कोल्ड ड्रिंक, तो चलिए आप भी खाइए। और ये देखो मेरे सोफों का हाल, सारा दिन घर में बैठ बैठ के कुशन कवर कहाँ होते हैं, सीट कवर कहाँ होते हैं, कोई अता पता नहीं, सारा दिन यही काम करती रहती हूँ। बहुत परेशान कर रहा था 2-3 दिन से और आज ये पकड़ा गया। और ये देव हमारा फेंकने जाएगा इसे, यही कर सकता है ऐसे काम। और ये अब हो गई है काफ़ी रात,
और लॉकडाउन के टाइम पे हम लोग सभी ऐसे बाहर बैठ जाते हैं और तो कोई गली में होता नहीं है। आज दीदी ने बनाया है ढोकला विद चटनी और शगुन रोज़ की तरह लकड़ियाँ जला रही है, धुआं कर रही है और उसके ऊपर आज हम भूनेंगे ये भुट्टे, क्योंकि उसको लग रहा है कि अंगारों पे बहुत बढ़िया टेस्ट आने वाला है और आता भी है, क्योंकि जो असलियत है जिन चीज़ों की वो वाकई सही है, गैस पे तो इतने भुट्टे टेस्टी नहीं होते। तो चलिए आप भी हमारे साथ एंजॉय कीजिए और मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक करिए और बने रहिए मेरे साथ। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।